फरीदाबाद में अब चुनावी माहौल गर्माता जा रहा है। एक एक करके खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रत्याशियों के लिए चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। आज तिगांव विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर के लिए खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में सेक्टर 30 दशहरा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। हमने काम किए, हमारा घोषणा पत्र क्या है, संकल्प पत्र जो आएगा उसमें हमने पहले की चीजों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प किया है, कल आपके सामने आएगा। फिर भी मैं आपको वायदा करता हूँ, चार बातें ऐसी भी चलते चलते ध्यान में आएंगी कि शायद आज हम नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इस समाज को सुखी करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम वो चीजें भी लागू करेंगे, पीछे हटने का कदम नहीं लेंगे। एक और बात मुझे कल के इनके घोषणा पत्र में याद आ गई, बात इन्होंने की अंत्योदय की। बड़ी मुश्किल से एक शब्द जो हमारे मुंह में पड़ा हुआ था, दीनदयाल जी उपाध्याय का अंत्योदय, इन्होंने पहली बार अपने संकल्प पत्र में लिख दिया। बड़ा संतोष का विषय है कि अंत्योदय शब्द लिख दिया। अंत्योदय का मतलब होता है अंतिम का उदय। अब अंतिम क्या है, उदय होने वाला जो उदय हो गया वो क्या है, ये इनकी समझ बताता हूं। एक अपने आप बैकवर्ड क्लास के अंदर क्रीमी लेयर का विषय होता है। अब उस क्रीमी लेयर में अभी तक 6 लाख रुपए की क्रीमी लेयर थी। हमने जब अध्ययन किया कि सब जो लाभ है वो उसमें, यानी 1 लाख से 6 लाख तक सब लोग होते हैं, ज्यादातर लाभ 5 लाख 6 लाख वाले लोग ले जाते हैं। 5 लाख का मतलब, 6 लाख का मतलब क्या हुआ कि महीने में 6 लाख का मतलब क्या, 50,000, यानी 40 से 50,000 साल का जो कमाता है, महीने का जो कमाता है सारे लाभ वो ले जाता है। तो आज के युग में जो 40,000 महीना या 50,000 महीना कमाएगा उसको गरीब कहेंगे क्या? बोलिए, वो गरीब है क्या? नहीं है ना। इस जनसभा में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा सहित तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के फरीदाबाद पहुंचने पर पुष्प गुच्छ के साथ उनका स्वागत किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी राजेश नागर को वोट देने की अपील की। वहीं पिछले दिन जारी हुए कांग्रेस के घोषणा पत्र का मजाक उड़ाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा खोला है। फरीदाबाद से न्यूज के लिए रुस्तम जाखड़ की रिपोर्ट।